हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी साउथ की टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक मूवीज़ के बारे में। इसका हमने पार्ट 1 भी बना रखा है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और पहले उस वीडियो को देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो मूवी आती है उसका नाम है पेपर बॉय। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। मूवी को IMDb की वेबसाइट 6.4 की रेटिंग मिली है और 91% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म के स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे संतोष शोभम, रिया शर्मा, तानिया और भी कई साथी कलाकार। तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है रवि से, जो कि एक पेपर बॉय है, जिसे धरणी जो एक रिच बिजनेसमैन की बेटी है उससे प्यार हो जाता है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तब आता है जब धरणी के भाई विदेश से आते हैं और वो नहीं चाहते उनकी बहन की शादी रवि से हो। तो आगे इस फिल्म में क्या होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। फिल्म यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, जाइए और एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो मूवी आती है उसका नाम है गुना 369। ये 2019 में रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को IMDb की तरफ से 6.3 की रेटिंग मिली है और 82% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म के स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे कार्तिकया, अनघा, आदित्य और भी कई साथी कलाकार। तो फिल्म की स्टोरी शुरू होती है गुना से, जो अपनी लाइफ में बहुत ही खुश रहता है। फिर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन फिर फिल्म में एंट्री होती है राधा की, जो कि फिल्म का विलेन है, जिसकी एंट्री के बाद गुना की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। तो ऐसा क्या होता है वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। फिल्म बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। फिल्म में कार्तिकेया की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो ये फिल्म यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जाइए और एक बार फिल्म को जरूर देखिए। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो मूवी आती है उसका नाम है नंबर 1 दिलवाला। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई एक्शन रोमांस मूवी है। मूवी को IMDb की तरफ से 6.4 की रेटिंग मिली और 91% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म के स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे राम, अनुपमा परमेश्वरम, लावण्या त्रिपाठी, श्री विष्णु और भी कई साथी कलाकार। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है दो दोस्तों से, अभी और वसु, जो बचपन से ही फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट एक लड़की महा की एंट्री होती है, जिससे दोनों प्यार करने लगते हैं। तो आखिर आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और महा किसकी लाइफ में जाती है आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। फिल्म में दो दोस्तों की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी दिखाई गई है और ये फिल्म आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, तो जाइए और एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो मूवी आती है उसका नाम है गीता गोविंदा। गीता गोविंदा 2018 में रिलीज एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। फिल्म को IMDb की तरफ से 7.7 की रेटिंग मिली और 89% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म के स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे विजय देवरकोंडा, रश्मिका मंदाना और भी कई साथी कलाकार। अगर आपको भी एक रोमांटिक फिल्म देखना पसंद है, ये फिल्म बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। फिल्म में दोनों की, चाहे विजय देवरकोंडा की एक्टिंग हो या फिर रश्मिका मंदाना की, दोनों की ही एक्टिंग कमाल है। फिल्म में दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी है। ये फिल्म भी आपको यूट्यूब पर अनऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा, तो जाइए और एक बार इस फिल्म को जरूर देखिए। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो मूवी आती है वो बहुत खास, उस मूवी का नाम है प्रेमम। प्रेमम 2015 में रिलीज हुई रोमांस ड्रामा फिल्म है। फिल्म को IMDb की तरफ से 8.3 की शानदार रेटिंग मिली और 93% गूगल यूजर ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म के स्टारकास्ट में आपको नजर आएंगे निविन पॉली, साई पल्लवी, अनुपमा परमेश्वरम, मैडोना, बेस्टियन और भी कई साथी कलाकार। इस फिल्म के साथ ही बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेस अपना डेब्यू किया था। ये एक मलयालम लैंग्वेज की फिल्म है। फिल्म को बहुत ही खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारा गया है और फिल्म में सबकी एक्टिंग भी बेस्ट है। फिल्म अभी तक हिंदी में डब नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही हिंदी में डब्ड होगी मैं आपको इस चैनल पे अपडेट दे दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।